उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। प्रदेश सरकार एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज को खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए योगी सरकार लगातार कई कदम भी उठा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक और अच्छी खबर आई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के 75 जिलों के लिए यूपी SSSC द्वारा चयनित 7182 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को लखनऊ के लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने ANM वर्करों को नसीहत दी कि स्वास्थ्य कर्मियों का दायित्व है कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बीते 6 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पहल की गई, आज उसके परिणाम हमें धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो ANM हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सबके द्वारा फील्ड में रहकर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं, वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था, आज उसमें काफी सुधार हुआ है। साथ ही सीएम योगी ने यूपी SSSC को पारदर्शी चयन प्रक्रिया कराने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि बीते 6 सालों में किसी भी चयन प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी तरह की धांधली, अव्यवस्था, अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। विगत 5-6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती, इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। बता दें कि लखनऊ के लोक भवन में मिशन शक्ति और मिशन रोजगार के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद रहे। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से नियुक्ति पत्र पाकर स्वास्थ्य कार्यकर्तियों में खुशी की लहर है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए वेद मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।